एक है एचपी कंपनी का प्रिंटर, इसका मॉडल नंबर एचपी लेजर जेट प्रो एमएफपी M226DW। ये प्रिंटर स्कैन, कॉपी, प्रिंट और फैक्स और वायरलेसली कनेक्ट होता है। चलिए मैं बताऊंगा इस प्रिंटर के साथ कौन से केबल आए। फर्स्ट केबल ध्यान से देखिए, ये पावर केबल है। नेक्स्ट ये जो केबल है ये आपके प्रिंटर टू लैपटॉप और पीसी कनेक्ट करने के लिए, ये इसके 3.0 प्रिंटर का। ये है लैन केबल, इसे आप अपने लैंडलाइन को कनेक्ट करके फैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज जो मैंने मेंशन करना भूल गया था, ये है इसका कार्टेज, ये भी इसी के साथ आता है। चलिए मैं बताऊंगा इसे कैसे लगाना और इस प्रिंटर की हर पार्ट्स के बारे में। इसे फर्स्ट आप ऐसा ओपन कर लीजिए, नेक्स्ट इसको ओपन कर लीजिए। तो ध्यान रखिए ये जो नाम है आपको वर्टिकल दिखना चाहिए इसी तरह, और इसको ऐसा पकड़ के सीधा इसके अंदर इंसर्ट कीजिए, फिर इसको लग दीजिए। ये आपको बॉक्स में खुला मिलेंगे, बाद में आपको इसे इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि बहुत इजी है, क्योंकि उसी की तरह ये भी होगी, ये जो है एडजस्टेबल है आपके हिसाब से लगाइए ये। फिर अगर आप और ये भी एडजस्टेबल है, पेपर का जो जो साइज है वहाँ पर वो हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पेपर अपने आप प्रिंटर एक खींच लेता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉपी करने के हैं वो पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट्स अगर कभी तो यहाँ पर खींचते समय अटक गया तो ये निकाल के आप वो पेपर यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है स्कैनिंग वाला पार्ट है, यहाँ पर पेपर आप रख के स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप यूएसबी कनेक्ट कर करके भी आप अपना प्रिंट वो निकाल सकते हैं। ये एचपी की ब्रांडिंग, यहाँ पर पावर सप्लाई, और यहाँ पर आपका जो लैपटॉप से आप कनेक्ट करते हैं जो कि मैंने आप यूएस वीडियो में कहा था, वो प्लग यहाँ पर, वो केबल यहाँ पर लगाना। और ये लैंडलाइन केबल, शायद लैंडलाइन केबल है, इसके बारे में उतना कंफर्म नहीं पता। हाँ ये लैंडलाइन की चाहिए, यहाँ पर दिखा रही लैंडलाइन की, इसके बारे में पता है। यहाँ पर एक रहता कैमरे इधर ला, इसका हमें कुछ भी यूज नहीं है। ये साइड व्यू पूरा 360, ये वेंटिलेशन के लिए, और ये यहाँ पर नजदीक का ज़्यादा कैमरा इधर, ये यहाँ पर आपका डिस्प्ले, और ये ऑन ऑफ का बटन, ऑन ऑफ का बटन, और ये डिस्प्ले, ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है। यहाँ पर ये पार्ट में आपको अपने पेपर रखने हैं, वाइट पेजेस, ब्लैंक पेजेस, और ये पार्ट में, और नहीं तो ये पार्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिंट करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर रह सकते हैं। ये स्कैन होता है, यहाँ से अपने आप खींच के प्रिंट निकलता है, और यहाँ से जो पेपर है बाहर निकलता है। ये भी आप आगे कर सकते हैं, और ये एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी आप आगे कर सकते हैं। चलिए मैं आप इसको पावर सप्लाई देके दिखाता हूँ। ये पावर केबल जिसकी मैंने पहले दिखाया था, ये जो है यहाँ पर इस टाइप में प्लग कीजिए, देखिए इसे निकाल दिया मैंने, ये मैं स्विच को लगाऊँ, क्लिक
प्लग स्विच को लगाते ही ऐसा आपको डिस्प्ले में दिखेगा। ये लोडिंग लेने के लिए थोड़ा देर लगता है इसको। थोड़ा सा समय लगता है। इंस्टॉलेशन होता है बाद में। अब मैं ऑन करूंगा इसे। ऑन ऑफ करने के लिए इधर बटन है साइड में। अभी लोड हो रहा है। टच स्क्रीन डिसेंट है, उतनी अच्छी भी नहीं है उतनी खराब भी नहीं है। स्टार्ट हो रहा है अभी। स्टार्ट होते समय ऐसी आवाज आती रहती है। ये है कॉपी और ये है स्कैन। ये USB और फैक्स। मैं आपको खाली आप कॉपी और स्कैन के बारे में बताऊंगा। स्कैन जो है खाली आप जब आप लैपटॉप को कनेक्ट करते तब यूज करना। अब मैं आप खाली यहाँ पर कॉपी करके दिखाऊंगा। जो कि स्कैन के थ्रू और नहीं तो ऊपर से। बस मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा कॉपी करने। ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स इधर रखता हूँ। फिर इधर डॉक्यूमेंट्स में इधर मैं रखना और कैमरा इधर लगे डिस्प्ले के ऊपर। हाँ एक मिनट में पेपर रखना है। मैंने कुछ पेपर्स है यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। इसको आगे लीजिए आप यहाँ पर कॉपी। आप यहाँ पर नंबर सर्च कर सकते कितने कॉपी होना। फिलहाल तो मुझे एक ही कॉपी होना इसलिए मैं ओपन करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसकी डार्कनेस प्लस माइनस दिखाई दे रहे हैं आपको। एक मिनट यहाँ पर आप कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं कितने कॉपी करना है ये बैग जाने के लिए। और यहाँ पर डार्कनेस आपकी प्रिंट की डार्कनेस और यहाँ पर कॉपी। यहाँ से पेपर आपने आप खींच लेता है वो पेपर इधर आता है आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से पेपर खींच के आपका जेरॉक्स कॉपी इधर रेडी होता है। देख सकते हैं जेरॉक्स क्वालिटी। अब मैं बताऊंगा स्कैन कर। ये ओरिजिनल मैंने इसको यहाँ पर रखा और सेम उसी की तरह कॉपी किया। कॉपी एक इंच स्टार्ट। प्रिंटर अपने आप समझ लेता है कि पेपर स्कैनिंग के ऊपर है या प्रिंट कॉपी के ऊपर है। इसलिए आप कॉपी ऑप्शन डाल के भी प्रिंट निकाल सकते हैं। $34,000 में वैल्यू फॉर मनी ये प्रिंटर है। कंपनी ने कहा है कि पर मिनट ये 25 से लेकर 26 पेज निकाल सकता है। चलिए हम देखते हैं रियल में कितना निकलता है। ये है डॉक्यूमेंट जिसको मुझे स्कैन करना है और ये है ब्लैंक पेजेस। देख सकते हैं ब्लैंक पेजेस। अब मैं इसे ब्लैंक पेजेस को यहाँ पर रख रहा हूँ जहाँ से ये प्रिंटर पेजेस खींचता है। फिर ये डॉक्यूमेंट में स्कैन करने के लिए छोड़ रहा हूँ। कॉपी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा 30 पेजेस। देखेंगे हम 30 पेजेस कितने में एक मिनट निकालता है। नहीं कम से कम 30 पेजेस। तो इस देखो ये स्कैन हो रहा है। अब स्टार्ट।
प्रिंटर लग रहा था थोड़ा साइड है प्रिंटर से सब एक मिनट रह ले अगर इधर स्टॉप कर मजे कर रहा हूँ कैमरा ऊपर साइड लाइन इधर सर मैंने निकाल लिया पेपर एग्जैक्टली 1 मिनट होने के बाद इसे काउंट करेंगे कितना है आपके सामने एक दो तीन चार एग्जैक्टली जैसे कंपनी ने कहा है एग्जैक्टली 1 मिनट में 26 प्रिंट निकल चुके हैं आपके सामने है जैसे कंपनी ने कहा है एग्जैक्टली 26 पेजेस पर मिनट निकाल सकता है स्टॉपवॉच